और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है एक और न्यू भाई ब्रांड न्यू भाई वीडियो में, जिसमें कि तुम्हारा भाई आज रिव्यू करेगा जो जितना भी सारे स्मार्ट वॉच भाई अभी अक्टूबर महीने में आने वाला है, रिलीज होने वाला है या फिर भाई हो चुका है आज, तो भाई मतलब मिड अक्टूबर हो चुका है। तो भाई जितना भी सारे और आने वाला है या फिर भाई नवंबर में क्या आने वाला है वो तो भाई नवंबर का बात करेंगे, लेकिन इस महीने भाई जितना भी सारे स्मार्ट वॉच आने वाला है आप लोग भाई बजट के में हो सकते हैं भाई, ओवर बजट हो सकता है, तो आप लोग भाई आप लोगों के हिसाब से देख लेना। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, जहां से मेरे को ये मिला है भाई मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहां से चेकआउट कर लेना। इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई एक लाइक कर देना, चैनल बनाना चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फ्यूचर सपोर्ट के लिए। तो भाई देखो, सबसे पहले स्मार्ट वॉच भाई कौन होता है? भाई सबसे पहला जो हमारे पास स्मार्ट वॉच है वो है भाई YY GT4 कार का नाम है। तो इसके अंदर भाई आप लोगों को 1.32 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब HD डिस्प्ले होने वाला है भाई। उसके साथ ही साथ इसका जो मतलब साइज है वो भाई सर्कल डायल वाला देख रखा है, उसके साथ ही साथ वाटर रेजिस्टेंट भी आता है इसके अंदर, और कॉलिंग सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो मतलब जो एक्सपेक्टेड जो प्राइस है। और एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्यों मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जितना भी सारे स्मार्ट वॉच है या फिर जो भी भाई अपकमिंग है वो भाई अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो उसका मतलब जो आप मतलब उसका अगल बगल का ही जो प्राइस है वो भाई मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा समझ लेना कि भाई वही मतलब रियल प्राइस है, ऐसा नहीं है भाई, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। जब भाई मतलब रिलीज हो जाएगा तब मैं और एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर दूंगा, इसका प्राइस क्या है, इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, हर एक चीज। स्पेसिफिकेशन तो खैर चेंज नहीं होगा, वो भाई एक ही रहेगा, और उसके साथ ही साथ इसका जो मतलब बैटरी लाइफ है वो भाई 7 दिनों तक देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया है। और इसके अंदर भाई जो इसका जो प्राइस देख रखा है वो है अंडर 25,000 के साथ। भाई मैं पहली भाई बोला था कि ऐसा समझ मत लेना कि ये प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस है, नहीं भाई ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, कोई ऐसा समझ मत बैठ जाना मत। तो अब अगला वाला जो स्मार्ट वॉच है वो है भाई Honor Watch 4 Pro कार के नाम है, जिसके साथ ही साथ आप लोगों को 1.75 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसके अंदर अगर मतलब वो जो क्या बोलते हैं इसको ऑलवेज ऑन वाला जो डिस्प्ले का जो फीचर्स है ना वो अगर भाई इस स्मार्ट वॉच के साथ आता है जो मतलब इतना तगड़ा वाला लुक देख के देगा भाई आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो इसके अंदर भाई आप लोगों को 3-3 कलर देखने के लिए मिल जाएगा, जब भाई लॉन्च हो जाएगी इसका जो कलर का नाम है वो भाई आप लोगों को मैं बता दूंगा, तब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और उसके साथ ही साथ इसके अंदर भी आप लोगों को वाटर रेजिस्टेंट वगैरह कॉल फीचर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इसका बैटरी है इसका 10 दिनों तक बता के रखा है, जो कि 480mAh का बैटरी देके रखा है। उसके साथ ही इसका जो प्राइस है वो अंडर 20,000 के साथ आ जाएगा, तो आप लोग भाई आप लोगों का हिसाब से ले सकते हो। उसके साथ ही साथ अब अगला वाला जो स्मार्ट वॉच है वो है भाई ओप्पो वॉच 2 कार का नाम है, जिसके साथ ही साथ भाई आप लोगों को रेक्टेंगल डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। जो लोग मतलब रेक्टेंगल डिस्प्ले पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया होने वाला है। उसके साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे 1.75 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत बढ़िया है। उसके साथ ही साथ आप लोगों को वाटर रेजिस्टेंट कॉल फीचर्स भी देखने के लिए मिलेगा। जो बैटरी बैकअप है वो 350mAh का बैटरी देख रखा है, जो कि 10 दिनों तक इसका बैटरी चलने वाला है, तो ले सकते हैं भाई इसको भी। जो इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो भाई अंडर 20,000 के साथ आ जाएगा, तो आप लोग भाई आप लोगों के हिसाब से ले सकते हो। उसके साथ ही साथ अब अगला वाला जो स्मार्ट वॉच है वो है भाई Firebolt Thunder कार के नाम है, जिसके साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे भाई सर्कल डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जो कि AMOLED डिस्प्ले, जो कि 1.32 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ ही साथ भाई आप लोगों को यहाँ पे कॉलिंग फीचर्स हर एक चीज देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा ऐसा कुछ ऐसे बता नहीं रखा है, लेकिन ये बजट के अंदर होने वाला है, जो कि अंडर 3,000 के साथ आ जाएगा, तो ले सकते हैं भाई आप लोग इसको। तो अब अगला वाला जो स्मार्ट वॉच है वो है भाई Cosped Optimus 2 कार के नाम है, तो उसके साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे भाई सर्कल डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जो कि 1.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देख रखा है, जो कि बहुत बढ़िया है। और उसके साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे भाई सर्कल डीएल तो देखने के लिए मिलेगा, वाटर रेजिस्टेंट देखने के लिए मिलेगा, और कॉलिंग सपोर्ट भी इसके अंदर एनाबल है। और उसके साथ ही साथ भाई 2 दिनों तक इसे बैटरी लाइफ चलने वाला है, और भाई बैटरी कितना तगड़ा वाला देख रखा है भाई, 1260mAh का देख रखा है भाई, और इसका जो प्राइस है अंडर 15,000 के साथ आ जाएगा।
उसके साथ ही साथ अब अगला वाला जो स्मार्ट वॉच है वो है भाई क्रॉस बीट्स ऑर्बिट्स एक्स करके नाम है, जिसके साथ ही साथ आप लोगों को 1.34 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ ही साथ सर्कल डायल है, वाटर रेजिस्टेंट भाई कॉलिंग फीचर्स आप लोगों को हर एक चीज देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ भाई इसका जो बैटरी लाइफ है वो भाई 3 दिनों तक बना रखा है, और इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो भाई अंडर 5000 का प्राइस देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ ही साथ अब अगला वाला जो स्मार्ट वॉच है वो है भाई ओडिमो OSW16 कार के नाम है, इसका साइज मॉडल नंबर है। तो इसके अंदर भाई आप लोगों को 1.69 इंच का TFT LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। तो कलर तो इसके अंदर भाई बहुत तगड़ा वाला देख रखा है, तो इसका ये भी भाई बहुत बजट के अंदर आता है। पहले जो मैंने स्मार्ट वॉच बता रहा था वो भाई मतलब थोड़ा सा बजट से ज्यादा है, मैं अभी समझ सकता हूँ, तो कोई बात नहीं भाई, बहुत सारे लोग बजट के ऊपर भी लेना चाहता है तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो इसके अंदर भाई आप लोगों को 1.69 इंच का TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, LCD डिस्प्ले। उसके साथ ही साथ भाई रेक्टेंगुलर डिस्प्ले देके रखा है, और वाटर रेजिस्टेंट भाई कॉल फीचर्स आप लोगों के इस पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ भाई बैटरी लाइफ भी 15 दिनों तक बता रखा है। मैं वीडियो के बीच में और एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो मेरा चैनल है ना, चैनल को भाई सपोर्ट देगा, मतलब इस वीडियो को अच्छा लगता है तो भाई एक लाइक करना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना। ये भाई जितना भी सारे मैं आप लोगों के साथ गैजेट शेयर कर रहा हूँ या फिर भाई स्मार्ट वॉच जो भी स्मार्टफोन शेयर कर रहा हूँ, मैं पर्सनली भाई खरीद के आप लोगों के साथ भाई इसका अनबॉक्सिंग जो रिव्यू है वो भाई आप लोगों के साथ दिखाएंगे, तो सपोर्ट दिखाते रहना। इसका जो प्राइस है वो जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो भाई अंडर 4000 का प्राइस देके रखा है। उसके साथ ही साथ अब अगला वाला जो स्मार्ट वॉच है वो है भाई ओप्पो वॉच 2 कार का नाम है, जिसके साथ ही साथ 1.91 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देके रखा है जो कि रेक्टेंगल डिस्प्ले है। उसके साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे भाई कॉल फीचर्स आप लोगों को हर एक चीज देखने के लिए मिलेगा, और वाटर रेजिस्टेंट हर एक चीज। उसके साथ ही साथ भाई आप लोगों को 16 डेज तक इसका बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा, जो कि 502 mAh का बैटरी देके रखा है। उसके साथ ही साथ इसका जो प्राइस है वो जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो भाई 25000 mAh का बैटरी देके रखा है, मतलब बैटरी तो नहीं 25000 प्राइस है भाई, मतलब इतने बार mAh बता रहा हूँ ना भाई, mAh ही निकल रहा है मुंह से, खैर आप क्या ही कर सकते। अब अगला वाला जो है वो है भाई LG की ओर से, और LG वॉच W7 कार का नाम है शायद इसका मॉडल नंबर होगा। तो ये जो है भाई मतलब सेम है, मेरे को लग रहा है कि ये लेदर फिनिश के साथ आता है, ज्यादा ऐसा कुछ दिखाई नहीं। जब भाई लॉन्च हो जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर पाऊंगा, तब तक भाई मैं आप लोगों को हर बार बोल रहा हूँ इसकी सब्सक्राइब करके रखना। तो इसके अंदर आप लोगों को 1.2 इंच का LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत बढ़िया है, और उसके साथ ही साथ भाई वाटर रेजिस्टेंट कॉल फीचर्स आप लोगों को हर एक चीज देखने के लिए मिलेगा, और 4 दिनों तक इसका बैटरी है जो कि 240 mAh का बैटरी देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ ही साथ इसका जो प्राइस है एक्सपेक्टेड प्राइस ओ भाई 20000 का प्राइस देख, मतलब अंडर 20000 के साथ आ जाएगा। तो गाइस ये भाई जितना भी सारे मैं आप लोगों के साथ स्मार्ट वॉच शेयर किया, ये वीडियो आज के लिए इतना ही था। आप लोग भाई कौन से ब्रांड के लिए भाई कौन से स्मार्ट वॉच के लिए भाई आप लोग वेट कर रहे हो जरूर से मेरे को यहाँ पे कमेंट में बता देना। और इसका जो आगे मैं वीडियो बनाया था जो कि स्मार्ट वॉच मतलब बजट स्मार्ट वॉच, अगर वो वाला वीडियो नहीं देगा तो भाई आप लोगों को यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तो जाकर वहां से चेकआउट हो हर एक चीज कर लेना। और मिलता है इंटरेस्टिंग वीडियो में, कीप वॉचिंग टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल, और तुम्हारा भाई रिश्तेदार जो भी है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि भाई वो अगर लेना चाहता है तो ले पाएगा, और मेरा भी भाई मतलब समझ रहे हो ना, सपोर्ट मिलेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय।